मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरीके के क्रांतिकारी नारेबाजी लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आजादी से पहले पूरे भारतीयों के अंदर आजाद होने की चाह बिल्कुल बढ़ा दी थी। सुभाष चंद्र बोस इतने अच्छे लीडर थे कि उन्हें सिर्फ भारत के लोग ही पसंद नहीं करते थे बल्कि पूरी दुनिया के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे लेकिन दोनों को भारत को आजाद करने का तरीका बिल्कुल अलग था। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि भारत कभी भी अहिंसा के राह पर चलकर आजाद नहीं हो पाएगा, भारत को आजाद होने के लिए जान लेनी भी पड़ेगी और जान देनी भी पड़ेगी। इसलिए कभी भी आजादी की बात होती है तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज के हम अपने वंदे भारत सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस कैसे इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए हम सब भारतीयों के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 23 जनवरी 1897 को हुआ जब सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस है जो कि एक वकील थे और इनकी माता का नाम प्रभावती बोस है। इसके अलावा इनकी फैमिली में 13 भाई बहन और थे। सुभाष चंद्र बोस जी का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगाव था इसलिए ये सभी टीचर्स के फेवरेट भी थे। सुभाष चंद्र बोस की पढ़ाई की शुरुआत प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से हुआ और मैट्रिक के बाद इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनका एडमिशन करवा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित होते थे और इन्हीं महापुरुष के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने एक टाइम पे ये सोचा कि इनकी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देश को आजाद करवाना। उस टाइम पे भारत पर अंग्रेज का शासन था पर अपने आसपास भारतीयों के ऊपर जुल्म को देखकर उनके मन में भारत को आजाद दिलाने की चिंगारी और ज्यादा बढ़ गई। इनकी देशभक्ति का पहला नमूना लोगों को तब देखने को मिला जब अपने कॉलेज के प्रोफेसर से लड़ लिए थे क्योंकि इनके कॉलेज के प्रोफेसर ने इंडिया के खिलाफ में कुछ बोल दिया था। कॉलेज के टाइम से ही सुभाष चंद्र बोस देश की सेवा में लगना चाहते थे लेकिन इनके पिताजी के दबाव के कारण इन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि इनके पिताजी का मानना था कि सुभाष चंद्र बोस पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करें और एक अपना अच्छा जीवन जिए। फिर कैम्ब्रिज के किसी कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई पूरी करी और इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम में इन्होंने 4 रैंक हासिल करी। इतनी अच्छी रैंक हासिल करने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने इस नौकरी को ठुकरा दिया क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के अंदर में काम करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। और फिर भारतीयों के दिलों में आजादी की आशा और ज्यादा बढ़ाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया जिसका नाम था स्वराज। और उस समय सुभाष चंद्र बोस जी के मार्गदर्शक बने उस समय के फेमस लीडर चित्तरंजक दास जो कि देशभक्ति से भरे भड़काऊ भाषण देने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे उस टाइम के। सुभाष चंद्र बोस जी के काम को देखते हुए इन्हें 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी को भारत को आजाद दिलाने के निरंतर प्रयास के कारण उन्हें 1923 में जेल भी जाना पड़ा लेकिन जब वो 1927 में जेल से बाहर निकले तो उन्हें कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया और फिर वो जवाहरलाल नेहरू के साथ भारत को आजाद करने की जंग में घुस गए। फिर 1930 में सुभाष चंद्र बोस जी यूरोप गए और वहां पर जाके उन्होंने कई बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करी और कई ऐसे राज जाने की कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल को भी पब्लिश किया। लंदन में पब्लिश द इंडियन स्ट्रगल किताब को ब्रिटिश ने जल्द से जल्द बैन भी कर दिया और इसके बाद जब वो भारत वापस लौटे तो उन्होंने फिर कांग्रेस का उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल अलग थी इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना ही सही समझा और उसके बाद वो पूरी दुनिया घूमने लग गए अपने समर्थन के लिए और इसकी वजह से ब्रिटिश के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बन भी रहा था। लेकिन 1945 के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने इंडियन आर्मी से कहा कि वो युद्ध लड़े उनकी तरफ से और सुभाष चंद्र बोस जी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने उनका जमकर विरोध भी किया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि इंडियन आर्मी ब्रिटिश की जीत के लिए अपनी जान गंवाए और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन वो जेल में जाने के बाद भी बिल्कुल चुप नहीं बैठे और वो भूख हड़ताल पर रहे और 7 दिन तक भूख हड़ताल करने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जब वो जेल से निकले उसके बाद वो ब्रिटिश के अब दुश्मन देश जर्मनी के पास गए जहां पर हिटलर ने उन्हें पूरा भरोसा दिया कि वो उनकी पूरी मदद करेंगे लेकिन जर्मनी से कुछ खास मदद ना मिल पाने के कारण वो जापान की ओर गए और जापान ने उनका जज्बा देखकर उनकी पूरी मदद करने का उन्हें भी भरोसा दिया और जापान के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया आजाद हिंद फौज जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA के नाम से भी जानते हैं। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे लगाकर पूरे देश के अंदर आजादी की चाह को और ज्यादा बढ़ा दिया। जापान की वर्ल्ड वॉर टू में हार हो जाने के कारण भारत को आर्थिक मदद ना मिल पाने के कारण और भारत को हथियार ना मिल पाने के कारण 1945 में ही सुभाष चंद्र बोस जी को INA को बंद करना पड़ेगा।
और इसी के कुछ समय बाद 18 अगस्त 1945 को एक एरोप्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस जी शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस जी देश को आजाद करने के निरंतर प्रयास का नतीजा 2 साल बाद ही निकला, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी, आज हम पूरे भारत को आप पर गर्व है कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, आपने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। अगर आपको हमारे वंदे मातरम सीरीज के पार्ट 3 में मजा आया हो या आपको हमारी वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।